नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के चायबासा केस में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत दे दी, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल उन्हें चारा घोटाला के 3 मामलों में अलग अलग सजा हुई थी। इनमें से 2 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में जमानत लेनी होगी। लालू पर चारे के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी के अवैध तरीके से पैसा निकालने के मामलों में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है, दुमका केस में जमानत नहीं मिली है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा देने जा रहा है। जी, रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन आगमन के समय से आधे घंटे पहले ही जारी जाएगा, जबकि रेलवे आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन से स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी करता था। ऐसे में भीड़ भाड़ के समय अधिक से अधिक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने की उम्मीद रहेगी। इस सुविधा को 10 अक्टूबर यानी आज से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि ट्रेन शुरू होने के बाद संक्रमण को देखते हुए टिकट आरक्षण सिस्टम बदलाव किए गए थे। ट्रेनों के चार्ट बनने की अवधि 2 घंटे पहले ही कर दी गई थी। साहेबगंज रेलखंड होकर 12 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस व मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस चलेगी। इससे झारखंड, बिहार व बंगाल के यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सभी रिजर्वेशन काउंटर कल से ही खुल गए हैं। राहत की बात यह है कि टिकट दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ब्रह्मपुत्र मेल के लिए पहले से ही रिजर्वेशन जारी है। बता दें कि पूर्व से साहिबगंज होकर एक पैसेंजर साहिबगंज जमालपुर व एक एक्सप्रेस मेल चल रही है। मालदा दिल्ली फरक्का हावड़ा एक्सप्रेस चलने से साहिबगंज रेलखंड होकर गुजरने वाले ट्रेनों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सूबे में कोई मेला नहीं लगेगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया है। पंडाल का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जा सकता है। सामूहिक प्रसाद वितरण पर भी रोक रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगाने से राजधानी के टेट कारोबारियों को मायूस होना पड़ा है। पूजा पंडाल नहीं बनने से पंडाल व्यवसायियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना होगा। शहर के पूजा पंडालों के निर्माण में टेंट पंडाल व्यवस्था काफी आमदनी होती थी। पूजा पंडाल की तैयारियां पंडाल निर्माता 6 महीने पहले से शुरू कर देते थे। कोविड-19 का असर पूरे साल की शिक्षा पर पड़ चुका है। मार्च से स्कूल लगातार बंद है। छोटे क्लास के बच्चे अब नए साल में ही स्कूल जा पाएंगे। बिहार के ज़्यादातर निजी विद्यालय ने 6ठी तक के बच्चों को नए साल में ही बुलाने का निर्णय लिया है। 6ठी कक्षा तक बच्चे अब अपनी वार्षिक परीक्षा 2021 के समय में ही स्कूल जाएंगे। स्कूल द्वारा उनकी आंतरिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के डर से छोटे क्लास को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कई निजी स्कूल द्वारा 9वीं से 12वीं तक डाउट क्लास शुरू किया गया है। पिछले 10 दिनों से डाउट क्लास शुरू तो हुआ है, लेकिन इसमें छात्रों की स्थिति सभी कम रही है। अभिभावक अपने बच्चों को इस कोरोना संक्रमण काल में स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, जिससे ये उपस्थिति में गिरावट आई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन अभी भी सूबे में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना मरीजों को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। नए अपडेट के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों में 1155 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,93,826 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल कोरोना के 12,539 एक्टिव मरीज हैं।
स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार पटना में कोरोना के 234 नए मरीज मिले हैं। वहीं अररिया में 30, अरवल में 3, औरंगाबाद में 21, बांका में 16, मधुबनी में 15, पूर्वी चंपारण में 68, सहरसा में 23, सारण में 25, बेगूसराय में 6, बक्सर में 9, भोजपुर में 18, मुजफ्फरपुर में 71, कटिहार में 70, नवादा में 18, रोहतास में 23, पूर्णिया में 52, नालंदा में 34, मधेपुरा में 36, जमुई में 16, सिवान में 10, वैशाली में 29, दरभंगा में 9 और समस्तीपुर में 24 कोरोना के मरीज मिले हैं। दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का शनिवार को पटना में अंतिम संस्कार होगा। शुक्रवार को पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लंबी बीमारी के बाद गुरुवार देर शाम रामविलास पासवान का निधन हो गया था। वे 74 वर्ष पासवान पिछले कई दिनों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। अगली बड़ी खबर, बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट। अब तक बिहार में 181,000 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 99,496 सैंपल की जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। इस तरह राज्य में अब तक कुल 934 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। बिहार के चुनावी मौसम में सियासी गर्मागर्मी के बीच प्रत्याशियों के नामों का लगातार ऐलान किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी विधानसभा सीट बदल ली है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की अपनी सीट महुआ विधानसभा सीट की जगह हसनपुर का रुख किया है। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर की हसनपुर सीट से महागठबंधन से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या के भी चुनाव लड़ने की बातें कही गई थी, लेकिन उनके हाथ अभी खाली ही रह गए हैं। उनको अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। सहनी के पार्टी के दिग्गज नेता राजेश रमैया ने इस्तीफा दे दिया है। रमैया सहनी के एनडीए में जाने से नाराज बताए जा रहे थे। व्यापी के एनडीए में शामिल होते ही SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राम रमैया ने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि एनडीए के साथ विचारधारा का मिलान नहीं होता है, इसी कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। ये ट्रेनें अक्टूबर 15 से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से 13 और दूसरे डिवीजन से खुलने वाली 14 ट्रेनों को शामिल किया गया है। उनमें उन्हीं ट्रेनों को शामिल किया गया जिसमें सबसे अधिक भीड़भाड़ होती है। स्थानीय जंक्शन को पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द रैक उपलब्ध करा दी जाए। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों में बुकिंग भी जल्द शुरू होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। अब सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए जोर आजमाइश करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यानी 10 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं, जिनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। जेपी नड्डा रविवार को गया में होने वाली चुनाव सभा में भी भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा की पहली सभा गया के गांधी मैदान में होगी, जहां पर एनडीए प्रत्याशी व बीजेपी नेता प्रेम कुमार के लिए सभा कर जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वो पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली खबर सिवान के आमनौर विधानसभा क्षेत्र से खबर है। इलाके के निर्वातमन भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी अपनी पार्टी से नाराज हो गए हैं। वजह है कि पार्टी द्वारा उनका टिकट काटा जाना। शत्रुघ्न तिवारी इलाके में चोकर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वभाव से सन्यासी हैं। टिकट काटे जाने से नाराज होकर अब उन्होंने अन्न जल त्यागने का निर्णय ले लिया है। अब वे जिंदगी भर फलाहार पर ही रहेंगे। शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के विधानसभा क्षेत्र आमनौर में मतदान दूसरे चरण में होना है। एनडीए में सीट बंटवारे के क्रम में भाजपा ने इसे बचाए रखा है। हालांकि चर्चा है कि इस बार चोकर बाबा को टिकट नहीं मिलेगा, उनकी जगह पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा अभी यह तय नहीं हुआ, लेकिन चर्चा है कि पार्टी इस बार कृष्ण कुमार मंटू को टिकट देगी।
अगली बड़ी खबर, कोविड-19 संक्रमण के कारण दिवाली तक सिनेमा के बड़े पर्दे पर सन्नाटा पसरा रहेगा। सरकार ने विभिन्न शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन नई रिलीज फिल्मों की कमी और दर्शकों की कमी की प्रबल आशंका के चलते सिनेमा हॉल संचालकों ने फिलहाल हॉल खोलने का निर्णय नहीं लिया है। इस विपरीत परिस्थिति में सिनेमा हॉल संचालक से लेकर उसमें काम करने वाले कर्मियों तक में निराशा है। सिनेमा हॉल नहीं खोलने की कई कारण है, जिसमें किसी भी सिनेमा हॉल को संचालित करने के लिए क्षमता के मुकाबले कम से कम 35 फीसदी दर्शक चाहिए। इस विपरीत परिस्थिति में इसकी उम्मीद नहीं है। दूसरी, मुंबई में वहां की राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस कारण नई फिल्में रिलीज नहीं हो रही है, पुराने फिल्म दर्शक नहीं जुटा पाएगी। वहीं तीसरा, कोरोना वायरस व विधानसभा चुनाव के कारण है। लोगों की बाजार में आवाजाही कम होने के कारण सिनेमा हॉल को पर्याप्त दर्शक मिलना मुश्किल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 से 13 फरवरी के बीच इंटर की परीक्षा और 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार दो पालियों में परीक्षा होगी। पहले पाली में परीक्षा का आयोजन सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 के बीच होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षा में 15 मिनट का समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। वहीं इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 9 से 18 जनवरी के बीच किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।